नमस्कार सिटी होम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरजेश मेहरा, अज असी खड़े हैं लुधियाना के कोर्ट कंपलैक्स के जिथे कि कल देखा जा रहा कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री जोड़े फूड सप्लाई मंत्री से भारत भूषण आशू उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 2000 करोड़ रुपए के ट्रांसपोर्टेशन घोटाले के तहत गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तारी तो बाद बहुत सारा ड्रामा भी किया, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे धरने भी दिते, पर हुण इंतजार है विजिलेंस डिपार्टमेंट कदों पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू नूं इस कोर्ट ते लैके आ रहा। थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, कहिंदे आ 5-7 मिंटां विच ही इत्थे कोर्ट दे विच पेशी होएगी और देखना होगा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट की किन्ने दिनां दा रिमांड मंगदा ते की जज साहब इस दा फैसला करदे ने। चाहिए सी तुहानूं दे दिंदे आ, लेकिन उन्होंने इनकार करता कि सानूं तुहाडा कोई बंदा नहीं चाहिए। जदों ही वो लुधियाने पहुंचे और उन्होंने चोरों की तरह एक सैलून से वो अपनी कटिंग करा गए सी और उत्थे जाके उन्होंने उन्होंने उत्थे गिरफ़्तार करने की कोशिश की। कल विच कट रहे हैं हुणे हुणे तुसीं देख सकते हो तस्वीर, भारत भूषण आशू नूं विजिलेंस डिपार्टमेंट लैके आ रहा कोर्ट कंपलैक्स में लुधियाना के मिनी सैक्रेट के अंदर। तुसीं आ गड्डी देख सकते हो, कार देख सकते हो, भारत भूषण आशू जिहड़ा है आशू तुसीं देख सकते हो तस्वीर भारत भूषण आशू दीआं। गड्डी नंबर PV 6591 के अंदर पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू नूं लैके आ रहे ने। तुसीं देख सकते हो तस्वीर भारत भूषण आशू नूं लैके जा रहे ने कोर्ट कंपलैक्स के अंदर और भारत भूषण आशू नूं पुछे जा रहे सी बार बार मीडिया वालों पर तुसीं कुछ कहना चाहोगे अपने पक्ष में, लेकिन दरवाजा देखो मीडिया लिए बंद कर दिता गया है। तुसीं देख सकते हो तस्वीर कोर्ट के अंदर भी सी ते जो मैनू पता लग्या मैं तो बाहर बैठा सीगा, जो साडे वकील साहब हुणी बाहरों आके इन्होंने मैनू दस्या भी 4 दिन का रिमांड है जिहड़ा 27 तरीक तक मिलिया है। पर अंदर जिहड़ी मोटी गल हुई है भी जिहड़े तेलू राम नूं जिहड़े एक ठेकेदार दस रहे सी उन्होंने जरूर यह कहा कोर्ट च उन्होंने वकील ने भी तेलू राम ना कदे ये जिहड़ा तो लिखा रहे आ, उन्होंने कहा भी मेरे नाल जबरदस्ती मेरे नाल करंट ला के मैनू कुटमार करके मेरे तो जो कुछ लिखा रहे ना मैं भारत भूषण आशू नूं मिलिया ना मैं जाणदा। मैं क्या जी 100% हो रहा, तुम एदू बद होर होगा की है तो मैं दसो ना भी जेडे अज जे तेलू राम उदन का कुट कुट मना रहे थे वह कहना मैं आशू जानता नहीं, अज कोर्ट चाह के जज साहब मूहरे उन्हें कहा तो एदू बद वेंडेटा की होगा वोद नौ तो आशू जी ने चकिया इन्होंने तो हूँ 4 दिन चलो जो सिसोदिया जी ने खादा फिर वह भी 1000 करोड़ रुपया निकले आऊगा। साढ़े नाल मौजूद ने जिहड़े कि भारत भूषण आशू वालों एज ए लॉयर पेश होए, आओ गल कर दिंदे आ सीनियर एडवोकेट साढ़े परमकार सिंह कमन जी जिहड़े कि लुधियाना बार दे बहुत बार प्रेजिडेंट भी रहे ने, जिहड़े कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अडिशनल AG भी रहे ने। कुम साहब बहुत बहुत स्वागत है, अज की तुसी स्पैशल तौर पर जिहड़े कि भारत भूषण आशू बिजनेस डिपार्टमेंट ने अज उन्होंने गिरफ़्तार किया उन्होंने वालों पेश होए ने ते होर भी वकील पेश होए ने एज ए सीनियर एडवोकेट तुसी पेश होए ने, की उत्थे जरा होई जरा दर्शकों दस दौ ते जज ने बाद च की रिमांड दिता?
सब तो पहला सारे दर्शकों का सत श्री अकाल कबूल करो। अज क्योंकि मिस्टर भारत भूषण आशू अपने मिनिस्टर रह चुके हैं, जो कल अरैसट होया तकरीबन सवा चार साढ़े चार पेश किया, तो मिस्टर बलविंदर है साढ़े एडीए है हुआ असिस्टेंट बाय एन डी डिप्टी एस पी वो एलीगेशन लगाए से इन्ह ने कि भाई भारत भूषण का साढ़ा सात दिन का रिमांड चाहिए है वाशू जी का, क्योंकि वो कहें असी तेलू राम एक अरैसट होया है जोड़ा कॉन्ट्रैक्टर से ठेकेदार वो असी आमने सामने करके पूछना है कि इन्हें कन्फ्रंट कराना है दोनों। विजिलेंस के वकील ने गल की? हाँ जी, विजिलेंस के डिप्टी एस पी ने भी गल की और वकील साहब ने भी गल की है, सरकारी वकील साहब ने। उस तो बाद क्योंकि तेलू राम का ही अज रिमांड सेगा तो तेलू राम को पूछा गया तो तेलू राम ने आके जज साहब को दसिया कि मेरे तो नजायज़ प्रैशर पाई जा रहे हैं, मेरे को नजायज़ साइन करवा रहे हैं, नजायज़ मेरे को डायरी बनवा रहे हैं, सारे काम गलत तरीके करवा रहे हैं, जिद कि मैं भारत भूषण आशू को कभी मिले नहीं गया। जबकि एक रिमांड के डिप्टी एस पी का कहना सगा कि भाई रिमांड के मनिया है कि मैं भारत भूषण आशू पी ए थ्रू मिलेगा, तो पीए ने कहा जो ऑफिसर कंसर्न है उन्होंने जाके मिलो, लेकिन भारत भूषण आशू जो तो पूछा गया तो उन्होंने भी कहा मैं तेलू राम मिलया नहीं है ना मेरी कभी गल हुई है, जिद कि तेलू राम ने यह भी कन्फ्रंट किया गया कि मेरी कोई कॉल डिटेल चैक कर लो, अज तक साड़ी आपस गल नहीं हुई हैगी। काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है जिद कि असी सारे मैं साढ़े सीनियर एडवोकेट साढ़े फॉर्मर सैशन जज मिस्टर वी बी हांडा जी असी उन्होंने असिस्ट कर रहे थे, मिस्टर रमन कौशल एडवोकेट है, तो तीनों जने उत्थे एज अ टीम पेश हुए थे और असी स्पेसिफिकली पहली गल तो आए हैं कि जिहड़ी पॉलिसी सरकार ने बनाई सी वो पॉलिसी हाईकोर्ट चैलेंज हुई सी, हाईकोर्ट के अपहेल्ड हुई और उही पॉलिसी अज की डेट सरकार चला रही है कि फॉलो भी कर रही है मौजूदा सरकार। मौजूदा सरकार इस करके पॉलिसी बारे कोई भी टिप्पणी करनी विजिलेंस की बनती नहीं हैगी कि पॉलिसी के खिलाफ इन्होंने किया, जो उन्होंने पूछा गया कन्फ्रंट किया गया कि पॉलिसी की कि धारा जी हैगी है ये जो इदा का कोई दसो कोई लॉ दसो जी वायोलेट होया है तो वह दस नहीं सके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल है जी असं गल करना चाहते थे कि जे कोई लॉस स्टेट एक्सचेकर होया या सरकार किसी किस्म का होया तो वो बारे दसिया जाए तो वो वास्ते वहमेंटली कोई भी जवाब नहीं आ सकया सरकार कि कोई सरकार नुकसान होया वै पब्लिक मनी का लॉस होया कह रहे हैं कि अमाउंट कहा गया अमाउंट नहीं दस सके हो अज 2000 करोड़ की गल करते हैं वो 2 करोड़ की छोड़ो 2 पैसे की गल नहीं कर सके कि आशू जोड़ा है वह उन्हें 2 पैसे का घपला किया है। इतों अलावा एक साड़ी आर्गूमेंट बहुत जी अच्छी आर्गूमेंट सी वो कहें जी इन्होंने एक ऑफिसर सस्पेंड ऑफिसर जिदे खिलाफ़ इनकुआरी स्पेंडिंग सगिया वो ऑफिसर द्वारा रीइंस्टेट किया, ये साढ़े नाल वकील साहब सके उन्होंने बड़ी गल की कहते जी आर्ग्यू किया रदर मैटर उन्होंने मिस्टर वी बी हांडा ने कहते जो अज भी जिन्हें ऑफिसर लगाए हुए ने जिन्हें कि ईवन साढ़े चीफ सैकटरी साहब ने कहते वो भी 12 साल सस्पेंड रहे हैं। यह सो गौरमेंट का प्रैरोगेटिव हों कि भाई कि ऑफिसर अगर कितने लगाना है वै तो गौरमेंट का प्रैरोगेटिव नहीं ले सकते है जज अगर गौरमेंट का प्रैरोगेटिव ही खत्म करता सरकार तो चलनगिया नहीं, जिमें आए सारे डी जी पी साहब ने उन्होंने छुट्टी पर भेजा हुआ साढ़े जोड़े दूजे डी जी पी साहब ने उन्होंने आरजी तौर पर लगया गया, ये गौरमेंट का राइट है ये असं इंटरफेयर नहीं कर सकते नोबडी कैन इंटरफेयर। हाँ जे वो खिलाफ़ कोई इदा ऑर्डर पास होया हों कि गलत तरीके पैसे कमाए है विजिलेंस इनकुआरी होंगी या वो खिलाफ़ कोई कन्विक्शन होंगी तो वो ऑफिसर सी बी सी ना लगाते, इस गल का जवाब भी विजिलेंस को नहीं आया कि भाई कोई ऑफिसर के खिलाफ़ कोई इदा कोई कन्विक्शन सी या कोई इदा का वो किरदार के उत्ते दाग सगा। एक गल कहते कि पी आर हैगा चिट्ठी पेश की ये खिलाफ़ पी आर हैगा इनकुआरी रिपोर्ट सी, पी आर होना कोई गुनाह नहीं सीगा, जे पी आर हैगा तो वो अकॉर्डिंगली कोई जो भी इन्हों की बनती कार्रवाई हैगी है अंडर द सिविल सर्विसज रूल्स कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सिविल सर्विसज रूल की जगह अडोप्ट कर लिया दूजा मैथड यूज़ कर लिया लैटर लैके कि देखो जी ये बंदा मिलता नहीं गा,
अगर बंदा नहीं मिलता उस किसी मंत्री ने अपने कोलों थोड़ा लैके पेश कर देना। सो एक आर्गूमेंट चलती रही तकरीबन एक घंटा आर्गूमेंट चली हैगी है। उस तो बाद साढ़े मानयोग CGM साहब है उन्होंने तेलू राम का मैं दो दिन का पुलिस रिमांड दिता है तो मिस भारत भूषण आशु जी ने चार तीन चार दिन का पुलिस रिमांड किया है। तेलू राम की गल की तेलू राम के 2021 की गल कर रहे थे 2021 उन्हें मनिया भी मैं मैनू जड़ा है बीनू मल्होत्रा उन्होंने PA वो थ्रू मैं भारत भूषण आशु मिलया तो रिश्वत की भी गल उ हुई 30 लाख रुपए की तो अज तुम कहते तेलू राम जी अपनी अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखो जी गल पुलिस को मनी होंगी है ना वो अहमियत नहीं होंगी। पुलिस तो अज किसी मरवा के कटवा के पिछों छ मतलब मरवा के मीनस के उन्होंने छत्ता मरवा के करो कुछ भी जो पुलिस के वेज एंड मीनस होंगे अपन पता ही है कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंदी है। ये तो सबजैक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी होंगी है कोई भी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 1956 की जजमेंट है कोई भी स्टेटमेंट कोई पुलिस को दी गई हैगी है अहमियत नहीं होंगी वो इंपोर्टेंस नहीं होंगी हैगी। फॉर द परपज ऑफ रिमांड ठीक है चली जाती हैगी है पर जो ट्रायल स्टार्ट होगा इट वॉन्ट विदस्टैंड एनीवेयर ये कित खड़नी नहीं हैगी मिनटा जुड़ जानी हैगी है क्योंकि तेलू राम की स्टेटमेंट की कोक्यूज की स्टेटमेंट जो मैं ले जाना वो कन्फेशन हो चाहे कोई स्टेटमेंट वैल्यू जीरो है। हो सकता ये नहीं पॉसिबिलिटी होंगी कई बार गवाह मुकर जाते अपनी लैंगुएज चेंज कर लेंगे इस तरीके। देखो ये तो हम ट्रायल चलूगा उदो पता लगेगा की होंगे की नहीं होंगे लेकिन तेलू राम अज तक एक्यूज है वै अज तक गवाह नहीं है जे अज दोषी की स्टेटमेंट मनी जाए तो मैनू बड़ी पुरानी गल याद आ मैं उदो स्कूल पढ़ता हुंदा सीगा एक बार CI स्टाफ लुधियाने स्कूल पढ़ते सानू गल पता लगी कि मिस्टर भिंडा वाले फड़ के लैके आता सर जरनैल सिंह भिंडा वाले उन्होंने DSP कहता दस भी तेरे पिछे कौन है उन्होंने कहता कहते इंदिरा गांधी है जी ये मतलब पुलिस इंदिरा गांधी फड़न चले होगी नहीं जिहड़ा कोई बंदे नूं आपां दोषी मानते हैं उहदे दे उत्ते आपां दोष साबित करते हैं ना कि उहदे कहे नूं असीं एक गोस्पल ट्रुथ मान के असीं चलना हैगा। अनफॉर्चुनेटली हुण हुंदा की है इनवैसटीगेशन जिहड़ी हैगी है ना वह पुलिस इस करके करती है कि असीं किसे बंदे नूं फसाना किवें वर्ल्ड ओवर इनवैसटीगेशन की हुंदी हैगी है वर्ल्ड ओवर इनवैसटीगेशन हुंदी है सच्चाई नूं सामने लैके आउण वास्ते कि इह बंदा गलत है तां ठीक है कल थोड़े तो कोई एलीगेशन लगता है मेरे तो कोई एलीगेशन लगता है वो सच्चाई तक पुलिस का काम है इनवैसटीगेशन का काम है इनवैसटीगेटर का उसे पहुँचना ना कि मेरे खिलाफ सबूत लभना या थोड़े खिलाफ सबूत लभना बड़ा पुलिसिंग जी हैगी है ना ये वो बेचारे ग पुलिस वाले गलत नहीं है उन्होंने प्रैशर बहुत होंगे पोलीटिकल प्रैशर बहुत हो गए पोलीटिकल प्रैशर अगर पुलिस ना हो अगर पुलिस में असी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बना के दिया जाए जो फॉर फैडरल सिस्टम के हों जिमें फैडरल पुलिस होंगी है बहर ले असी उन्होंने इन पोलीटिकल प्रैशर तो बहर रखीए तो मेरे हिसाब से शायद साढ़े हिंदुस्तान 70% FIRs ही ना हो। FIR की गल की इस FIR जी 18 तरीक हुई सी जबकि कल 22 तरीक उन्होंने गिरफ्तार किया गया वो धारावं लगियां बड़ी संगीन धारावं लाइया उन्होंने 420 409 467 68 69 फिर 6 7 8 9 12 13 इदा 120 भी बहुत सारिया धारा लगियां वह धारा कितने स्टैंड कर रही हैं। देखो अगर तो मिस्टर भारत भूषण आशु की गल करा मैं अज रिमांड पेपर पढ़ देख रहा है सारे पिछले रिमांड भी देखे है ना तो 420 बनती है उन्होंने ना 409 बनती हैगी है 420 होंगी है चीटिंग 409 होंगी एम्बेजलमेंट ना 467 68 71 बनती हैगी है क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं किया इन्होंने पॉलिसी हैगी है पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी कैबिनेट अपरूव की हैगी है फिर उस तो बाद लड़िए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लड़िए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ना तो डिमांड साबित होंगी है ना जी पेमेंट साबित होंगी एक्सैप्टेंस होंगी ना डिमांड ना एक्सैप्टेंस ना ही बंदा पेमेंट दे रहा तीन चीज़ा ने तीनों तीनों एक्सैप्ट कित होंगी नहीं है जोड़े बंद के खिलाफ एलीगेशन लगा रहे तेलू राम के खिलाफ तेलू राम दे कोल कोई इदां दा सबूत ही नहीं हैगा कि उन्हें पेमेंट दिती है अज उहदी इन्होंने दूजी टैलीफोनिक जिहड़ी हैगी है कढ़ाई हुई सी लिस्ट सारी टैलीफोन वाली उहदे मोबाइल सी सारा डाटा कढ़ाया सीगा उहदे विच मिस्टर भारत भूषण आशु नाल कदी कोई गल ही नहीं हुई दिखाई द थिंग इज़ कि कहना सौखा हैगा
जदों जुडिशियल स्क्रूटनी आऊगा केस, जदों साढ़े मानयोग जज साहबान को लाऊगा केस, उदों पता लगेगा विजिलेंस कितने खड़ती है। सो ये धारा जी है ने कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस सरकार जो गल करिए उस वे अकाली दल ने बहुत धरने लाए, बड़े बड़े आरोप लगाए, उदों की अकाली दल को प्रूफ से कहते सड़कों पुख्ता प्रूफ से, ईवन मजिठिया साहब वगैरह होर सारे अकाली दल इतने आके धरना देंदे रहे, आशु के कोठी बारे धरना देंदे भी इन्हों जो है बर्खास्त करो इस तरीके भी। उदों भी उदों की समझते भी उदों उदों का कोई पुलिस इनवॉल्व नहीं सी। देखो गल इदा है, अगर श्रोमणी अकाली दल के जोड़े लीडर साहबान वो धरना लगाते हैं वो कोई ना कोई एविडेंस कंक्रीट लैके गल करते, पर अज जिहड़ा आम आदमी पार्टी के उत्ते जिहड़ा मैं गल कर रहा उन्होंने जी एफ आई रजिस्टर की हैगी है, इस स्पैसीफिकली एफ आई आर के बारे मैं गल कर रहा, मैं कहते होर केस बारे नहीं गल कर रहा। इस एफ आई आर के कोई कंक्रीट चीज़ नहीं है जी कि मिस्टर आशू नूं इनवॉल्वमेंट दिखा सकन। होर केसिस होणगे मैं कह नहीं सकता, हो सकता कोई केसिस हो जिहदे कोल उहनां कोल एविडेंस भी होवे, पर वो फ्यूचर गल है। अज की घड़ी दे विच इस एफ आई आर हम श्रोमणी अकाली दल ने जो धरने लगाए थे उहदे विच श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप वास कोई ना कोई नॉलेज होनी है, उन्होंने कोई कोई अपहोल्ड किया, कोई गल की होनी है, वो उही जान सकते हैं जो धरने लगे है, जिस कंटैक्स में धरने लगे है, डॉक्यूमेंट्स होणगे, कुछ होगा, ओनली दे कैन टेल। पिछले जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट के भारत आशू का केस चलता विजिलेंस ने 18 जिहड़े है ऐसे जो केस कंप्लेट जो दायर की और कहते पांच सड़क होर 23 कंप्लेट्स है भारत भूषण आशू के खिलाफ, तो यह मतलब ये उन्होंने वन ऑफ दैम है। मैं ये बारे दस सकता क्योंकि वो 18 कंप्लेटा है, 23 कंप्लेटा है, अज उन्होंने जी कंप्लेट लगाई हुई थी यही कह रहे थे कि 4-5 बंदे रले हुए होर जो कंप्लेट्स दे रहे खिलाफ, हूँ 23 का उन्होंने डिटेल दी है, तो हाईकोर्ट मानयोग हाईकोर्ट पता होगी जी डिटेल आई होनी है या विजिलेंस डिपार्टमेंट को होनी है। आई एम नॉट अवेयर, मैं तो इस केस बारे अवेयर हाँ क्योंकि मैं अज ही इंगेज किया इन्होंने, तो आई एम डूइंग माई प्रोफेसनल ड्यूटी। अज शहर च भी मीडिया च भी और सियासी जो अखाड़े वे भी बड़ी चर्चा हो रही है भी तुम एज ए नैशनल लीगल विंग के प्रेजिडेंट हो, अध्यक्ष भी हो, तो श्रोमणी अकाली दल रिप्रजेंट करते हो, तो जबकि पार्टी कांग्रेस का 36 का अंकड़ा रहा, तो तुम उन्होंने वालों एज ए वकील किस तरह पेश हो? मेरा साहब बहुत बंदे सवाल पूछ चुके हैं, बीइंग अ लॉयर ये मेरी एक प्रोफेशनल ड्यूटी है, मैनू किसी ने पहले इंगेज कर लिया, आई डोंट सी द पार्टी कड़ी है, कांग्रेस का है, अकाली हैगा वै, बीजेपी का हैगा वै, आम आदमी पार्टी है, एक मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है। आई एम बाउंड बाय एडवोकेट एक्ट, मैं कसम खाधी सी एक जो साढ़े ओथ सेरेमनी होंगी है कि असी अपने क्लाइंट का जो भी हैगा बेस्ट सोचांगे, असी उन्हें धोखा नहीं देना। जे अज मैनू आम आदमी पार्टी इंगेज कर लेने की मदद पेश हो जाता, देखो लॉयर है लॉयर की ड्यूटी होंगी है अपने प्रोफेशन पक्के बन के रहना, ना ही गद्दारी नहीं करनी। मैं अपने प्रोफेशन का पक्का हैगा, बीइंग श्रोमणी अकाली दल का मैंबर होने के नाते जो पोलीटिकल साड़ी लड़ाई होगी वो डेफिनेटली आई विल अपोज हिम। तुहानू कहा जावे इलेक्शन लड़ने अगली बारी आशू दे खिलाफ लड़ोंगे? बिल्कुल क्यों नहीं लड़ांगे, अगर मेरी पार्टी मैं मौका देंदी हैगी है कि आशू के खिलाफ इलेक्शन लड़नी हैगी है, डेफिनेटली आई विल कॉन्टेस्ट, वाई नॉट। जिहड़ी मैं तुहानू दस्या एक सोच हुंदी है, पोलीटिकल सोच है, कांग्रेस की पोलीटिकल सोच डिफरेंट है, श्रोमणी अकाली दल की डिफरेंट है। कांग्रेस की जिहड़ी सोच हैगी है हमेशा ही पंजाब पंजाबीयत ते सिखां दे खिलाफ रही है। सिखां दे वोट मैं तां करदा जदों भी देखो रॉयट्स होया उदों कांग्रेस सरकार सेंटर च रही है, चाहे गुरद्वारा साहब ढाए गए ने, कभी भी जो होया उस सोच के उत्ते साढ़े फैमिली दे विच बजुर्ग साढ़े ग्रैंडफादर अभी सारे अकाली रहे हैं, ठीक है जी, तो वह सोच ना ही चलते हैं कि जदों पार्टी की पोलीटिकल गल आऊगी तो मैनू जिथे पार्टी कहूगी खड़न वास्ते, मैं कल आशू के खिलाफ ही नहीं कहता, मैनू वह कह भगवंत सिंह मान के खिलाफ खड़ जाओ, मैनू वह कह कि अपने मिस्टर राजा बनिंग के खिलाफ खड़ जाओ, मैनू कह जो मर्जी चन्नी के खिलाफ खड़ जाओ, आई विल परफॉर्म माई ड्यूटी, वो मेरी सैपरेट ड्यूटी हैगी है, लेकिन एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न नोबडी कैन क्वेश्चन माई इंटीग्रिटी, मेरी इंटीग्रिटी। हाँ अज श्रोमणी अकाली दल पावर च होंगी, श्रोमणी अकाली दल ने एफ आई आर कराई होंगी तो मैं जरूर पार्टी नाल खड़ता तो अपनी ड्यूटी पूरी करता। अज क्योंकि पार्टी एफ आई आर जी कराई गई है आम आदमी पार्टी वालों कराई गई है और जो मैं लगता एक बदला खोरू
भावना नाल कराई गई है, जे ना कराई जाती पतला बदला खुरू भावना नाल तां इहदे विच कुछ ना कुछ सच जरूर होंदा, कोई ना कोई मटीरियल इदां दा पेश किया जाता जिहदे च कि कित ना किसी लैवल ते आशू जी नूं इंटेंगल किया जाता। बट एपरेंटली मैनू हुण अगे की गैदर करदे एविडेंस मैनूं नहीं पता, अज दी एविडेंस तक आशू के खिलाफ़ कोई इदां दा मटीरियल नहीं है जिहदे नाल कि आशू नूं बाउंड किया जा सके। भगवंत मान जी की गल की, अच्छ भगवंत मान ने सीएम पंजाब के अज मीडिया सामने एक बयान दिता, मीडिया ने सवाल पूछे से भी भारत विनाशू गिरफ़्तार कर लिता गया तो वह कहें भी बंडाटा हो रहा जिस तरह तुम कह रहे हो, वह कहें भी बंडाटा बिल्कुल नहीं हुआ, असी कोई भी कानून अपना काम कर रहे और भारत विनाशू जो इतने चंडीगढ़ आए थे खुद कहते मैं गिरफ़्तार करो तो जे हूँ असी गिरफ़्तार किया कानून ने गिरफ़्तार किया तो हूँ वो कहते हूँ रौला क्यों पा रहे हो, कहते असी बिल्कुल बंडाटा नहीं कर रहे। एक जिहड़ा उन्हां दा अहंकार आ सामने आया जो जिन्हें पंजाब नूं लुट्टिया जिन्हें कुछ किया जिहड़ा गुनाहगार आ उहदे लई सज़ा है। देखो ये तो सीएम साहब दी जिहड़ी अपनी सोच है, सीएम साहब इज़ नॉट जुडिशरी, सज़ा देना जुडिशरी का काम हैगा ना, पुलिस का काम हैगा ना, पोलीटिकल सिस्टम का काम हैगा, दोषी साबित करना जुडिशरी का काम हैगा, वह उहदे ऑर्डर करना जुडिशियल ऑर्डर हैगा। जे अज भगवंत मान जी समझदे हैगे ने कि मैं जो कहता उही ऑर्डर हो गया वै उही जुडिशियल ऑर्डर हैगा तो फिर जुडिशियल सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देना चाहिए। जिन्हें भी भ्रष्टाचार किया लोगों का पैसा पंजाब का पैसा मैं पंजाब से लवागा किसी को खा नहीं दूंगा एक एक पैसा वसूल करूँगा इतना क्या उन्होंने बिल्कुल करना चाहिए हैगा। जे इन्ना ही उन्होंने अच्छी तरह उस सिस्टम सोचना चाहते करना चाहते है तो फिर उन्होंने अपना जरा भारत भूषण आशू के खिलाफ जी एफ आई आर हुई है जिस मैं पेश होया पूरी कॉपी लैके अपने ए जी जो है एडवोकेट जनरल हैगा वह डायरैक्टर प्रोसीक्यूशन है उन्होंने दिखाना चाहिए कि क्या ये मिस्टर भारत भूषण आशू इंडिक्ट हो सकते है, जो उन्होंने नहीं दिखाया इनू तो उन्होंने द्वारा फिर सैकेंड थॉट लेना चाहिए कि आप पोलिटिकल वेंडेटे ना एफ आई आर रजिस्टर ना करिए, अगर कोई इदा दी एफ आई आर की हैगी है तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, जो कानून होगा देखी जाऊगी कानून फैसला करूगा। ट्रायल जो चलूगा तो धारावं जो मैंने नहीं रखे बिल्कुल, जो अज की स्थिति हैगी जो अच्छा मैं देखा हैगा वह आर्ग्यू किया मैटर आई डोंट थिंक सो कि इट विल गो अ लोंग वे, शायद इनू असी क्वैश ही करा लीए एफ आई आर नूं, सबूत नहीं है भी जो अज की डेट में तो कोई सबूत नहीं है, मैं जो उन्हें आर्गूमेंट सुनी हैगी जो आर्ग्यू उन्होंने किया है जो मैटर जो उदा जो DSP साहब ने उसे आर्ग्यू किया जो उन्हें पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने आर्ग्यू किया है आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी एविडेंस। सांसद रमनीत बिट्टू अच्छ पूछा गया से कहते भी सबूत विजिलेंस बना सकती है चार दिन रिमांड के हो सकता पॉसिबल, देखो कर सकते थर्ड डिग्री भी अपना सकते उन्होंने राइट हैगा, लेकिन असं अब DK बासू की जजमेंट दे के जज साहब क्या एक तो एवरी 48 आवर्स का मेडिकल होना चाहिए, एक इंटेरोगेशन के वकील साहब बैठने चाहिए है जो इंटेरोगेशन होनी है वकील साहब जरूर बैठने चाहिए है, जे थर्ड डिग्री करे तो डेफिनेटली विल मूव एन एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली सू पता लगेगा तो विल सी सी का मेडिकल एंड मेडिकल बोर्ड को आवेंगे अभी कोई इंडिविजुअल डॉक्टर को ही करावे। पॉसिबिलिटी है मैं तो ये पूछ रहा कि विजिलेंस इतने इस हद तक जा सकता, मैनू देखो टू वेरी फैंग इन्ने 32 साल हो गए वकालत के मैं लगता नहीं है कि पोलीटल बंद कभी थर्ड डिग्री यूज़ की होलीटल बंद ऑलवेज दे आर द हैप्पीएस टू गो टू पुलिस कस्टडी और द जुडिशियल कस्टडी, क्यों रीज़न मेन कि उन्होंने पता हों कि दे गैट मोर या दे गैट अ बैटर इमेज जो आते बाहर निकल के, और एक केस इदा का है जिस अज की घड़ी के मैं यही स्टेटमेंट दे सकता कि इन खिलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है। ਇਹ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਾਨੇ ਜ਼ਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਮੀਤ ਮੱਕੜ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸੀਗੇ CGM ਔਰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਸਾਹਿਤਿਕ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡਾਟਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡਾਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਬਿਜਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਔਰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਰੁਕ ਲੈਂਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ, ਸਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ।